गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन सिंपली रूप। आज हम बात करेंगे कि अगर हमने अपने चेहरे पर कंसीलर लगाना है, व्हाट इज द राइट मेथड टू अप्लाई कंसीलर। तो अगर हम बात करें कंसीलर की, कंसीलर इज द थिकर वर्जन ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन को गाढ़ेपन में अगर हम कन्वर्ट कर दे तो वो कंसीलर बन जाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ कंसीलर की ही बात करेंगे, हम कलर करेक्टर्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्किन की जो इम्परफेक्शंस होती हैं उनको क्लियर करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए हम ऑरेंज, ग्रीन, येलो इस तरह के कलर करेक्टर्स को भी यूज करते हैं ताकि हमारी स्किन टोन जो है वो इक्वल हो जाए। लेकिन कंसीलर जिसकी हम बात करेंगे, जो हमारा स्किन कलर के साथ मैचिंग होता है, चाहे वो लाइटर वर्जन में हो चाहे डार्कर वर्जन। अब बात आती है कि कंसीलर की यूजेज क्या है। कंसीलर दो पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं। एक तो हम अपने चेहरे के स्पॉट्स को, जो हमारे चेहरे पर दाग धब्बे हैं, उनको छुपाने के लिए यूज करते हैं। एंड दूसरा, हम अपने चेहरे के हाइलाइटेड पॉइंट्स को और हाईलाइट करने के लिए कंसीलर को यूज करते हैं। किस तरह से मैं दिखाती हूँ। सो इन फर्स्ट केस, अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, मीन्स अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, तो आपने अपने मेकअप में सबसे पहली चीज अपने प्राइमर अप्लाई कर लेना है। प्राइमर आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देगा, ब्लर आउट कर देगा। उसके बाद जहां जहां पर भी आपकी स्किन पर इम्परफेक्शंस हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, तो आपने कंसीलर लेना है बिल्कुल अपने स्किन टोन के साथ मैच होता हुआ। मींस जैसी आपकी स्किन टोन है वैसा ही आप स्किन आप जो है वो कंसीलर लोगे। अब इसको आपने जहां पर भी आपकी, फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे डार्क सर्कल्स हैं, तो आपने इसको इस तरह से लगा लेना है। यहां पर मेरे स्पॉट्स हैं तो इसको कवर अप करने के लिए मैं यहां पर लगा लूंगी। यहां पर मुझे ब्लैक स्पॉट लग रहा है तो मैं यहां पर लगा लूंगी। रैंडमली मींस जहां जहां पर भी आपको, फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा मेरी इस एरिया पे डार्कनेस है, ठीक है, तो मैं यहां पर लगा लूंगी। इस तरह से मैंने अपना कंसीलर रैंडमली हर उस जगह पर लगा लिया, बिल्कुल अपनी स्किन टोन के साथ मैच होता हुआ, जहां जहां पर भी मुझे लग रहा था कि मेरी स्किन जो है वो अनइवन है। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, चाहे तो आप इसको फिंगर से ब्लेंड कर लो, चाहे आप डैम ब्यूटी ब्लेंडर से आप इसको ब्लेंड कर लो। इसको ब्लेंड कर लेने के बाद, सो यू कैन सी मैंने ब्लेंड कर लिया है जहां जहां पर भी मैंने कंसीलर लगाया था। अब हमने लाइटर शेड क्यों नहीं लगाना अपने डार्क सर्कल्स को या अपनी इम्परफेक्शंस को हाईलाइट करने के लिए। जब हम अपनी स्किन से लाइटर टोन वाला कंसीलर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर हम फाउंडेशन लगा लेते हैं, तो वो क्या करता है, वो थोड़ी देर बाद डार्क, पैची और बहुत अजीब सा कलर शो होने लग जाता है। और अगर हम अपनी स्किन टोन के साथ मैचिंग कंसीलर लगाएंगे, बहुत अच्छे से आपकी इम्परफेक्शंस को हाइड कर देगा। एंड देन अप्लाई फाउंडेशन ऑन इट, इसके ऊपर फाउंडेशन लगाइए। तो ये तो हो गया वो केस, जिस केस में आपकी स्किन अनइवन और पैची है या डार्क सर्कल्स हैं, तो हमेशा कंसीलर अपने स्किन टोन के साथ मैचिंग फाउंडेशन लगाने से पहले लगाना है। अब आता है दूसरा केस, जब हमारी स्किन बिल्कुल क्लियर है लेकिन स्टिल वी वांट टू हाईलाइट। आपने किम कर्दाशियां को देखा होगा, उनसे इंस्पायर्ड ही ये जो हाईलाइटनिंग का जो ट्रेंड चला था कंसीलर से, वहां से इंस्पायर्ड होकर चला था। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेकंड केस। अब इस केस में आपकी स्किन बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी स्किन पे आपने प्राइमर लगा लिया, आपने फाउंडेशन लगा ली, नाउ वी वांट टू हाईलाइट अवर फीचर्स, अपने फीचर्स को हम और इन्हांस करना चाहते हैं। तो उस केस में फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद हमने लेनी है एक लाइटर वर्जन ऑफ कंसीलर को, जो आपकी स्किन टोन से काफी लाइट है। अब इसको अप्लाई किस तरह से करना है, लाइक दिस। ये लगा लिया हमने, उसके बाद हम लगाते हैं अपने टी जोन पे,
अपने नोज एरिया पे, एंड ठीक जहां पर हम अपनी कॉन्टूरिंग करते हैं, कॉन्टूरिंग के ठीक नीचे मींस ये जो ईयर्स की टिप होती है ना, यहां से इस जगह पर सो दीज आर द पॉइंट्स जहां पर हम हाइलाइटनिंग करते हैं कंसीलर से। इसको ब्लेंड करने के बाद हमें सील अप करना पड़ता है विद लूज पाउडर या कंपैक्ट पाउडर, जिसको आप बेकिंग बोलते हो। इसको हमने ब्लेंड कर लेना है विद दैट ब्यूटी ब्लेंडर। तो बस इसको ब्लेंड करने के बाद आपको सील करना पड़ता है, चाहे तो आप कंपैक्ट पाउडर से इसको सील कर लीजिए, चाहे आप लूज पाउडर को लगा लीजिए थोड़ी देर, इसको बेक कर लीजिए ताकि ये क्रीज ना करे, इसके ऊपर लाइंस ना बने और ये अच्छी तरह से जो एरियाज पे हमने कंसीलर लगाया था तो हम उसको इस तरह से कवर अप कर लेते हैं। किस चीज को आप कर सकते हो, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं या आपके इम्परफेक्शंस हैं तो आपने पहले जो आपकी स्किन टोन के साथ मैचिंग जो आपका कंसीलर है वो आपने लगाया, उसके बाद आपने अपनी फाउंडेशन लगाई, उसके बाद देन यू वॉन्ट टू हाईलाइट योर एरियाज तो आप ये लाइटर वाला कंसीलर भी लगा सकते हो। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन कंसीलर, मैंने सिर्फ कंसीलर पर ये वीडियो बनाया, इसलिए मैंने मेकअप के और स्टेप्स को इंक्लूड नहीं किया है। वेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई कंसीलर तो उसके साथ हम कॉन्टोरिंग भी करते हैं, हम ब्लशर भी लगाते हैं, तो वो सारे स्टेप्स होते हैं। मैंने सिर्फ एक स्टेप बताया है कि कंसीलर लगाने का राइट मेथड क्या है। तो दिस इज द ओनली मेथड टू अप्लाई कंसीलर। अब बात आती है कि कौन से कंसीलर्स जो है वो गुड है, अच्छी कंपनी का अगर आपने कंसीलर बाय करना है तो यू कैन बाय वेट एंड वाइल्ड कंसीलर्स। इसमें काफी शेड्स हैं जो आप अपने स्किन टोन के साथ मैचिंग ले सकते हैं और इनकी प्राइस रेंज भी काफी अफोर्डेबल है, 200 से ये स्टार्ट हो जाते हैं। ये कंसीलर्स काफी गुड हैं, आप इनको ट्राई आउट कर सकते हैं। सो दिस वॉज माई होल वीडियो ऑन कंसीलर्स, हाउ टू यूज कंसीलर्स ऑन फेस। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज ऑल्सो। गुड बाय, लव यू ऑल।